बेटी जरा सी प्याज हो तो प्याज ला दे काट के, खाने में कुछ मजा सा आ जाएगा। देखो मामा कोई पड़ी हो तो, सामान खत्म हो रहा, पिताजी बाजार ना गए। देख ले गाड़ी पड़ी होगी, थोड़ी बोरा हो तो बुरा ही ला दे। मुंह फूक दिया इतनी तेज मिर्च। इतना इतना मिर्च तो ना है, सब्जी तो मैंने भी खाई। भाई जिज्जा को बुरा तो ले आके दे दे भाई, इसे तो कोई बहाना। मैं बहाना कर रहा हूँ, अपनी बहन से पूछ, या वहाँ भी नहीं हुई के रही थमिया वहाँ से। मेरी सब्जी में भी थोड़ा घी घेर दे, खा के चले हम। घी थोड़ा रह रहा, रोटी चुपड़नी। देख ले थोड़ा पड़ा होगा। खत्म हो रहा है सामान, तू ही चला जा बाजार, तू ही लिया। अच्छा चल रोटी तो ले आ दे, या चून भी खत्म हो रहा है। प्याज ना लाई? ना मिली। और बुरा? ना है। और के है? रोटी वोटी खा ली हो तो खेत पर चला जा। खेत भैया को बाद में भेजिए, पहले सामान खत्म हो रहा है, सारा सामान खत्म हो रहा है। तुम से कही थी तुम भी ना लाए। इसे दिए तो है परसों घर के सामान के लिए पैसे, ले ना आयु। सामान कहाँ दे लाता, पैसे तो सारे खर्च हो गए। खर्च कहे में हो गए? इंजन का पट्टा और नोजल ले आया, और उस मोटर बांधने वालों को दे दिए जिसपे मोटर बंधवाई थी। सारे ही खत्म हो और गए? अरे कम से कम हमें बता तो देता, चली भी लिया फिर। अब तो मैं संजीव की गैल कहीं जा रहा। कहाँ जावे है? उसको बुक की दुआ के ले आनी है। ऐसे फिर जाइए दूसरों के साथ धक्के खाता, तुझे अपना काम तो कुछ दिखता नहीं। बिरजू तू चला जा खेत पे, मैं भी आ रहा हूँ, बाजार तो जाना ही पड़ेगा। हमें तो कहीं लगा लो जिज्जा, तो हम तो वहीं लग जा। रोटी तो खा लेते पिताजी। ना कोई खान दे रोटी। तमी ना चले जाते पिताजी के गैल। कहीं मेरे ते तमें ना दिखाई देती। मैं इस घर का जमाई, कोई नौकर ना। बीस, चालीस, साठ, अस्सी, नब्बे, सौ, एक, दो, तीस मिल जाए तो 150 रुपए हो जाएंगे। महावीर कहाँ है भाई? के बात है मुझे बता दो। पैसे देने थे परसों, पानी लिया था। मुझे बता दो, मैं दे दूंगा जिज्जा को। कितने हैं? 300 रुपए थे, हमें तो देने थे, ले तू दे दियो। एक, दो, तीन, बता दियो। 6 घंटे पानी चला था। ठीक है बेफिक्र रहो तुम, मैं बता दूंगा। अरे सुनील ना आया खेत पे? वो तो ना आया, तुम बड़ी जल्दी आ लिए बाजार से। अरे वो प्रधान की गाड़ी मिल गई थी, उसमें धर लिया। मैं बुला के लाऊं सुनील को। बा के करें, कुछ समझ में ही ना आता। पर्ची आ रही, वो एक भी गेर ना था, पर कोई सुनने को तैयार ही ना। मैं अजय और सुनील को दोनों को लाऊं पकड़ के मैं। अरे वो खड़कू आया था के? हाँ आया था, 200 रुपए दे गया। 200 ही दे गया? 4 घंटे पानी चला, 200 रुपए दे गया। पिछले हफ्ते में तो 6 घंटे में भरा था उसका खेत। चलता तो 6 घंटे, बिजली भाग गई थी। मैं लाऊं ना देखूं, लाऊं बुला के। ऐसे कैसे हो जाएगी? अरे मेरी चाल, मेरी तुरप, जब मेरा जी चाहोगा जब चल लूंगा। खामा खा वैसे ही बदलेगा। अरे तू पीछ चढ़ा दे, तू बदल लियो। ऐसा नहीं होता। अरे खूब हो वे, खेलना हो तेरे पे। सुनील अब क्या कह रहे से तू पत्ता, अब करूं खेल खत्म, खूब बदल लियो यो अपनी तुरप। बस की ना इसके, रोली कर रहा। अरे मैं कर रहा। ले भाई हम ना खेल रहे, खेल खत्म। कर दिया ना सारी बाजी का, दे कितने बढ़िया पत्ते थे, दोनों को हरा था।
रोटी दियो पिताजी की खेत में। सुन नहीं रहा क्या तुम में से किसी को? मेरे बस की ना। आराम करो, मैं तो चल के खेतों पे काम करता हुआ थक लिया मैं तो। तुम ही जाकर दे आओ। मैं अच्छा लगूंगा रोटी ले जाता, तुझे ही शर्म लगेगी। कोई नुक होगा जमाई रोटी लेके जा रहा। अरे कोई यूं ना कहने का, जमाई सारा दिन घर में पड़ा रहे। ज्यादा ना बोल रहा, समझ गई। मनीष भी तो नहीं आया कॉलेज से, वो आ गया होता तो वही दे आता। मेरा हाथ छोड़ो। मन्ने ही हाथ छोड़न की निया पकड़ा के। अच्छा और क्या? तो तू मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा? कभी नहीं। एक हफ्ते में अब याद आई कि मैंने किसी का हाथ भी पकड़ा और मैंने किसी से कुछ वादा भी किया? बोल। अरे याद तो हर पल आई। वो तो दिख ही रहा है। तो नहीं तो कही अब के पास होके दिखाइए। लगी बात, पेपर खत्म, प्यार शुरू। एक बार आके सिकल तो दिखा सके? हाँ तो अब जी भर के देख ले। और जो एक हफ्ते तड़पी हूँ उसका हिसाब? अरे वो तो मैं पूरा कर दूंगा। तेरा भी जवाब नहीं भाई, खुद ही तो रूठे और खुद ही रोवे। मैं खुद रोऊं? और के? तुम रुलाते हो। मैं रुलाता हूँ और क्या? प्यार करना तो भाई कोई तेरे ते सीखे। देख फिर। अच्छा बाबा अच्छा, जब मन ने रुआया तो मैं ही मनाऊंगा। मैं बाजार जा रहा हूँ, बता के लाऊं तेरे लिए। अब लाओगे? और जो वादा करके गए थे वो अब भी नहीं लाए? वो के? बताए थे ना। ओहो वो तो मैं भूल ही गया यार। फिर कहते खुद रूठती हूँ, भूला क्यों? आखिरी बार भूल रहा हूँ बस, अब की बार भूल रहा हूँ, फिर कभी नहीं भूलूंगा यार। तेरी कसम अब कभी नहीं भूल। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चूड़ी और कंगन अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। अरे बाबा बोल तो रहा हूँ अब कल ला दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चूड़ी और कंगन अभी चाहिए। तजा कंगन लादू हीरे जड़ी, तजा चूड़ी लादू मोती जड़ी। मेरे दिल की चाही कर दे, मेरे दिल की चाही कर दे, नजर झुकाना खड़ी खड़ी। मुझे कंगन चाहिए अभी अभी, मुझे चूड़ी चाहिए अभी अभी। तजा कंगन लादू हीरे जड़ी, तजा चूड़ी लादू मोती जड़ी।
मिला तू चांद तारे, एक बार कर दे छोरी नजरों से इशारे। बहका घड़ी घड़ी कंगन चाहिए अभी अभी, मुझे चूड़ी चाहिए अभी अभी। तज कंगन लाडू हीरे जड़ी, तज चूड़ी लाडू मोती जड़ी। आशिक हूँ तेरा गोरी, थोड़ा सा रहम कर, अपने दीवाने पे ना इतना जुलम कर। जुलम पिया का दिल मैं यूं ही जलाऊंगी, मुझको तरसाएगा तो यूं ही सताऊंगी। जा वादा अपना भूल न जाइए, वादा अपना भूल न जाइए, तड़प कदे मैं बड़ी बड़ी। तज कंगन ला दो हीरे जड़ी, तज चूड़ी हिला दो मोत जड़ी। मुझे कंगन चाहिए अभी अभी, मुझे चूड़ी चाहिए अभी अभी। वादा ना तोड़ूंगा मैं, दिल ना दुखाऊंगा, चूड़ी कंगन साथ ले घोड़ी चढ़ के आऊंगा। घोड़ी चढ़ के आजा सजनी तैयार है, ओ, पर चूड़ी कंगन के बिना अधूरा सिंगार है। पूरा करूं सिंगार तेरा, पूरा करूं सिंगार तेरा, मन चाहे कर दे अभी अभी। कंगन चाहिए अभी अभी, मुझे चूड़ी चाहिए अभी अभी। ला 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 ला। अरे सीटू और गुल्लू यार, तू मेरा पूरा नाम ले लिया कर। मुझे गुल्लू ना कह कर, तेरा देखम देखी सभी मेरा नाम बिगाड़े हैं। गुल्लू नाम कुछ बुरा है? गुल्लू तो नाम बुरा ना है। फिर तू ही तो गुल्लू कहवे, सब तो उल्लू कहवे। अब हंसे मत, जल्दी चल। कहाँ? आज पूरे 500 रुपए का मैच लगा रखा, तू ही जीता सके हमें। थम जा तो मैं कपड़े बदलिया हूँ। अरे ऐसी चल। चल तो फिर। अरे कहाँ चल दिया, इंगे को तो आ जा। बोलो के बात है? अरे अब तो हो लिया, तेरे पेपर खत्म है। हो गए? लड़की खेत में आ जाइए, एक काटनी वहां बतेरा खुला घूम लिया। कल? कल? कल क्यों? के सोचा लगा? कल तो मुझे मोटरसाइकिल ठीक करवानी है। अरे फिर हो जाएगी, पहुंच जाइए वहां, कदी मैं बाढ़ देखूं। पिताजी 2000 रुपए दे दियो। कहे के लिए देऊं? किसी ने खादर वाले ट्यूबवेल का पंखा तार लिया और खेत भरना। ये कौन है जो हर महीने पंखा तार ले? जीजाजी किसी पंडित वंडित को दिखा लो, न्यू क्या बेरा पटे। अरे ये सब ढोंगी हो। नदी के धोरे एक तांत्रिक आ रहा, सारी बात सच सच बतावे, उसके धोरे जा रहे। अरे बिना तांत्रिक के रह लो, अगर इनमें इतना सत होता ना तो मांगते फिरते ना। हम तो वैसे ही जा रहे। अरे छोड़ इन बात, तू अंदर अलमारी में रखे जा ले ले।
हरीफ का खेत भर गया ना तो पंखा साथ तार से लाइयो। चलो तुमने जीजा को तो पागल बना दिया, इसे मामा को कैसे बनावेगा? पागल बना दिया और क्या, जो पुराना पंखा बेच दिया नया लिया, उस पुराने के पैसे कहाँ हैं? इसे मैं क्यों बेचता? अच्छा बुलाऊं से संदीप को जिसे तो बेच का अपने यार को? तुम्हें पता ही है मामा, पैसे का सारा हिसाब किताब तो पिताजी अपने पास रखे हैं, मैं भी कहीं तो अपना खर्चा निकालूं। तन्ने तो अपना खर्चा काट लिया, अब हम कहां से काटे हैं? मामा वही ऐसा उपाय तो बता दे जिस टाइम मोटी धन दौलत हाथ में लगे। बता तो दूंगा, दावत देवेगा? कुछ तो बता मामा, दावत भी हो जाएगी। अरे अपनी साड़ी की शादी इसे मनीष से करवा दे, इस पे के हो जाएगा? इसी में तो बात है सारी, तेरे तो साड़ा है नहीं, आधी तो दौलत यहाँ की मिलेगी आधी वहाँ की मिलेगी, मनीष तो लेवे नहीं, राज करेगा राज। क्यों कैसी कही? यूं तो ठीक कहे मामा, शादी तो करनी है मनीष की, अरे यहाँ और भी ठीक रहेगी। और तेरे पिताजी मान जाएंगे? पता नहीं, जिस जगह तो मैं मना लूंगा, तू अपने बहू से बात कर ले। आज ही करूंगा, समझ ले तो तेरी किस्मत खुल जाएगी। मेरी मेरी नहीं मामा, थारी दोनों की किस्मत खुल जाएगी। सारा दिन काम कर करके मैं तो बिल्कुल थक जाऊं, तनिक भी आराम ना है मेरे जी को। तो मैं क्या हो गया जी? मैं कुछ सोच रहा हूँ। सोचते रहियो सारी उम्र। मेरी बात सुन, ऐसा ना हो मनीष की शादी कर दें, तजे भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। आगे कोई मुंह जोड़ तो? अरे सारी बात तो सुनती नहीं, बीच में ही बोल पड़े। कहो के कहना है? ऐसा ना करें, मनीष की शादी तेरी छोटी बहन कोमल ते कर दे, दोनों बहन मिलजुल कर रही हो। क्यों? बात तो थारी ठीक है, और मुझे भी उसकी चिंता रवे, जाने कैसा घर बार मिले। बता के करें फिर? मैं तो तैयार हूँ, पिताजी को समझा लो एक बेर। पिताजी को तो मैं अपने आप समझा लूंगा। तू तो न्यू कह रहा था तुझे बाजार जाना मोटरसाइकिल ठीक करवान, गया नहीं? अरे पिताजी भी ऐसे टाइम पे पकड़े हैं जब कोई जरूरी काम। क्यों, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? बस कल को चले जाइए मोटरसाइकिल लेकर। अरे बात मोटरसाइकिल की ना है, फिर कुछ ना, कहीं इसक पिसक का चक्कर तो नहीं? मैं रिस्क पागल हूँ। मैं पागल में कौन सा ही रोग होवे, पीछे पीछे आदमी में होवे, आदमी तो पागल बाद में होवे। और मजे तेरे में लक्षण दिखाई दे रहा पहले में ही। ये बता दे बा, रहा नहीं जा रहा। अरे बताऊंगा तो जब जब बात आगे बढ़े। बात को बढ़ा आगे? बात आगे जब बढ़ेगी, जब मैं जाऊंगा। तो जा फिर। और पिताजी आगे तो? ताऊ को तो मैं अपना आप संभाल लूंगा, पर तुझे एक बात करनी पड़ेगी। के सांझ को आगे सारी बात बता दिए। ठीक है तुम बैठो और मैं चला। सांझ को वहीं मिलेंगे अपने ठिकाने पे। भाई से टू बीडी कार्ड दम मारेंगे, कुछ जोश जास आ जाएगा। जोश को तो ना तू जमीन फाड़ेगा। अरे तू कार्ड दो फिर देख।
अभी देखती हूँ तुझे। छोड़ो ना मुझे, क्या कर रहे हो? डरा डराओगी मुझे? देख लेना, एक दिन मैं तुम्हें भूत बन के डराऊंगी। भूत? अरे बाप रे, डर गया मैं तो। देख तेरी निया क्या लाया। कंगन। देख ले मैं भूला नहीं। मेरा असर होने लगा तेरे पे। तेरा असर? और क्या, मैं कुछ भूलती हूँ भला? सोच ले। सोच लिया, मैं कुछ नहीं भूलती। तने की वादा करा था मन्ने? तने वादा करा जब मैं कंगन लाऊंगा तो। सुमित आ गया। अच्छा, मेरे से चलाकी? तू कहाँ आया? मैं तो अभी आया। तू अंदर बैठ, मार क्यों खड़ा? सविता कहाँ है? तना मैं तो अभी आया हूँ। सविता, मेरा दोस्त आया और तू बैठने को भी नहीं कह सकती। मुझे पता ही ना चली। कंगन? ये कंगन कहाँ चलाई? ये अभी खरीदे आया था एक बेचने वाला। 5 मिनट तो मुझे होली, जब तक तो कोई आया ना है। तेरे से पहले आया था। अच्छा चल, फटाफट दो कप चाय बना के ला। मैं कपड़े धो रही हूँ। बाद में धो लिए? हाँ बाद में धो लिए। क्यों, ठीक ना कह रहा हूँ पिताजी? अरे रिश्ता तो इसका करना, मेरे द्वारे भी कई रिश्ते वाले आ लिए, मैं सोच रहा है 1-2 साल और रुक जाते। यो उम्र ठीक है जीजा जी, पढ़ाई भी खत्म होली, देखे बिगड़ते देर ना लगती, जिम्मेदारी आ जाएगी तो काम पे भी लग जाएगा। इसका ब्याह कर दिया, ये कौन सा पहाड़ तोड़ रहा? क्यों, करता ना हूँ मैं काम। चुप रहे अजय। जीजा जी तुमने क्या सोचा? अरे ठीक है, जिस दिन मौका मिलेगा जाकर मैं इसके ससुरे से करी अम्मा बात। मौका के जब करना है तो चले जाओ। ठीक है, देख लूंगा किसी दिन। वह छोरी भी ठीक है, परिवार भी देखा वाला है, दोनों बहन एक जगह रह लेंगी, पता नहीं अगली कैसी आवेगी। ठीक है। रख के गेर दिया बिल्ली। सविता, क्या कौन है? कहीं छोरा गलत चक्कर में तो नहीं पड़ गया? पता करना पड़ेगा। इधर को तो आ। मेरे ते कह रहे के कुछ? कह तो रहा तेरे ते ही, सुनेगा तो। हाँ बोलो। ये सविता कौन है? सविता होगी कोई? तुझे नहीं पता? मुझे के पता। अच्छा तो कल मैं अजय की ससुराल जा रहा हूँ। क्या तो फिर चले जाओ। नू नहीं पूछा क्यों जा रहा? कुछ काम ही होगा जब जा रहे हो तो। पर काम तो तेरे ही जा रहा। मेरे काम से? तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। मैं ना कर रहा अभी शादी वादी, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तुम्हें अचानक ये शादी की क्या बात है? कुछ बात होगी के? बताई तो थी। मैंने ना सुनी। सुन के क्या करेगा? जो मजा करना मैं आप करी अम्मा। बताओ तो सही। तेरी शादी की बात करने जा रहा हूँ। अरे फोटो तो देख ले। मैं ना देख रहा फोटो। अरे देख तो ले। यू थारे पे कैसे आया? यू के चक्कर है, तू पढ़ने जावे और यू के पीछे जावे। पिताजी ये सविता है, मैं इससे शादी करना चाहूँ।
पर ये कौन है, किस खानदान की है, तुझे पता कुछ? पिताजी ये जखोली गांव की है, चौधरी बलजीत की लड़की, इसका भाई मेरी गैली पढ़े। बलजीत की छोरी? तो प्रधान दिखे ये। तुम जानो इन्हें? बड़ा पुराना यार है वो मेरा, कभी हम भी एक साथ पटक रहे थे। अब तो मिलना ही पड़ेगा बलजीत से। क्यों? तेरा उससे मिलना भी तो बंद करवाना पड़ेगा। प्रधान का घर यू है बेटी? हाँ जी यू है। बेटी मिलना था उनसे। आ जाओ बैठो, अभी आने वाले हैं बाबूजी। बैठिए, मैं चाय बना के ला दूं। मैं बेटी हूँ ना, लंदे जब भी पियेंगे। ठीक है। बेटी पढ़ती ना तू? 12वीं पढ़ी है, पिताजी शहर भेजते ही ना। हमारे छोरे की भी पढ़ाई पूरी होली। अच्छी बात है। बेटी घर का काम तो सारा आवे तेरे पे। कहीं ये बुड्ढा अपने छोरे से मेरी शादी का चक्कर तो ना चला रहा? क्या हुआ बेटी? सारा काम आवे बस, तो फिर कोई दिक्कत ही ना। इसे तो भगाना पड़ेगा, ये तो ताल बढ़ा रहा अपनी। तेरी माँ कहाँ है बेटी? तुम्हें मेरी माँ से मिलना, पिताजी से। बेटी मिलना तो तेरे पिताजी से था, पर मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मेरी माँ से मिलने के लिए तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। पर कुछ काम कर रही? मेरा मतलब है भगवान धोरे जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। तो समझ गया बेटे। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते भाई, तू ही है कपिल? हाँ मैं ही हूँ, आया तो था कपिल गैल घर, पहचाना नहीं आपने? जब ध्यान तक कहाँ देखा था, पर नो तो बता बलजीत ना आ रहा के? आन लग रहे, सविता चाय ना लाई? आ जाएगी बेटा, चाय भी आ जाएगी, कोई बात। व्यान लग रहे पिताजी, मैं चाय लाऊं। पता कौन आया? पता है, एक बुड्ढा आया है। यू भी पता वो बुड्ढा कौन है? मुझे क्या लेना, मुझे तो न्यू लगे वो मेरे रिश्ते की बात करने आया। कभी अपने बेटे के बारे में बात करे, कभी न्यू पूछे कि तुझे सारा काम आवे, कभी पूछे रोटी बनाना आवे। चाय वाय तो बना ले कुछ? मेरी बस की ना है, मेरे सर में हो रहा दर्द। ता विमनी उसके पिताजी है, कम से कम एक कप चाय तो पिला दे, रही शादी की बात, वो मैं मना कर दूँ पिताजी से। मनीष के पिताजी? मेरा दोस्त नाम मनीष है। मैं तो गुस्से में उनसे उल्टी सुधी बोल रही थी। तो क्या हो गया, तुझे कौन से शादी करनी है? मनीष कोई बुरा थोड़ी है। अच्छा महावीर जी, मारी पहले आपसे दोस्ती थी, अब जो है दारी में बदल गई, इससे अच्छा और क्या होगा? तो साहब ये तो भगवान की मर्जी है, कितने दिन बाद मिले, और अब तो मिलते ही रहेंगे। हाँ भाई, कुछ लड्डू शड्डू तो ला, मुंह मीठा तो करा। अभी ला रही है सविता। ले बेटा। ले लो बेटा, ले लो ले लो, मेरी इनकी बात हो चुकी है, ले लो बेटा ले लो। पता नहीं तड़की ते पिताजी कहाँ चले गए, आ जाते तो चले जाते वार होने लग रही। कहाँ चले गए थे पिताजी? वो धर्मपाल याद कर रहा था तुम्हें। मैं किसी जरूरी काम से गया था। मैं तुम्हारी बाट देख रहा था। अरे आलंदे धर्मपाल को के जुलम हो गया, मैं आप मिल लूंगा। वो बात ना है। और फिर चंचल नू कह रही थी मेरा अपने घर जाने का जी कर रहा, मैं नु सोच रहा आप ही चले जाते, उस मनीष के ब्याह की भी बात करी आते। मनीष के ब्याह की? मनीष के ब्याह की बात तो करिया मैं। कदम करिया है? आज मैं कहीं गया था, बात जमगी करिया पक्की। तम तो हमारे से यूँ कह रहे थे कि अजय की साड़ी से करेंगे। बात ही कुछ ऐसी थी ना, ना हुई माँ। यूँ के बात हुई?
अरे बात क्या होती, जोड़ी मैं थोड़ा ही बनाऊं, भगवान बनावे। हाँ संजोग हो वही तो होगा। पर तुम तो ऐसा है, जहाँ मैं लड़की देख का है ना, उनका एक लड़का भी है, खानदान भी बढ़िया है, ये अपनी साड़ी की शादी वहाँ करवा देगा। अच्छा मैं चलूं, वो धर्मपाल आया था, पता नहीं क्या बात है, उससे भी मिल जाऊं। मरवा दिए ना मम्मा, जब तक नू कह रहे था सब संभाल लूंगा मैं, अब ले लेना मजा। मेरी समझ में नू नहीं आ रहा, जिज्जा पहले तो कह रहे थे, एकदम कैसे बदल गए? मजा तो नू लगे, मनीष ने कुछ करया। मनीष के करता कुछ ना कुछ चक्कर तो है। कुछ भी चक्कर हो, फसवा दिए इस मामा ने। पहले तो नू कह रहा था अरे किस्मत खुलेगी, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। अगर मेरे हाथ में बात होती ना फिर देखता, और जब मेरे हाथ में बात आ जाएगी वारे के न्यारे कर दूंगा, देखिए। चलो अब तब मन ही कुछ सोचना पड़ेगा। सोचते ही रहियो, जब तो बड़े बड्डे मार रहे थे मैं करवाऊंगा, यू करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, रह गए ना मूल खाते। तू चुप रह, दिमाग मत ना खराब करे। अब तो ऐसे ही खराब करूंगी। हमारे पिताजी ऐसे निकले, पता नहीं कहाँ लुट के आए। मजा आवे। और जिस दिन मैं डराऊंगी मजा आवे। मैं नहीं करती। यू पल्लू तो ठीक कर ले। मैं नहीं करती। अब तू पल्लू करना सीख ले। क्यों? क्योंकि तेरी शादी होने वाली है।
को मनाना सीख लो, शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, खाना बनाना सीख लो, ससुराल में जाना सीख लो, ओ खाना बनाना सीख लो, ससुराल में जाना सीख लो, ओ खाना बनाना सीख लो। लाओ दीदी, मैं लगा दूंगी झाड़ू। तू रहन दे, गांव की कोई सड़क आ गई और देख लिया तो न्यू कहोगी लगा दिया आते ही काम पे। अपने काम में कैसी शर्म दीदी, मारे काम आने है तू, ले लगा ले। हाय, मारी कुकर होकर होवेगी, मारी तो कमरी ठीक न रहती। लाओ दीदी, मैं धो दूं। ना बाते किसी के धोए हुए, तनिक सा दाग भी राजा तो रोड़ा हो जा। मैं अच्छी तरह धो लूंगी दीदी। ना मानती तो ला धो ले। दीदी मैं धो लूंगी। ना मानती, ले अच्छी तरह धोइए, ना धुले तो पहले बता दिए।
चंचल रोटी ले आइयो। सब्जी बना रखी है, इसमें ना नमक है ना मिर्च है। आज तो सब्जी सविता ने बनाई जी। तुझे बनानी हो तो बना दिया कर, तब ये सीख जाओगी या बना दिया करेगी। यहाँ कितना काम करना पड़े, पूरा दिन लगी रहे। तो क्या हुआ, भला अपने घर में भी कोई काम करते हुए थकता है? हाँ तुझे थोड़ी परेशानी तो होगी, पर सब ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना, एक दिन मैं सबका दिल जीत लूंगी। और मेरा दिल? हमारे पास दिल ही कहाँ है। तेरा मतलब है मेरे द्वारा दिल ही ना है? और क्या। अच्छा क्या सारा काम तो सब बताना पड़े, अपने आप तो यह कुछ कर ही नहीं सकती। बेरानी पिताजी को उसमें के पसंद आया, ले आए इसे। ऐसे ही फिरते रहियो, कुछ सोचियो मत। सोच तो रहे हैं, और के करे। फिर के सोचा, जंगल में एक तांत्रिक रहवे, हर बात सच सच बतावे, गारंटी से इलाज करे हर चीज का। फिर हम के करें? हमें के करना था, अब तो तांत्रिक करेगा। मतलब? मतलब यू कि कल उस तांत्रिक दौरे चलना है। कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए मामा। तो चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगा। मैं, सुनील और मालती तुझे वहीं मिलेंगे, तू चंचल को लेकर आ जाइए। ठीक है मामा। कहाँ गए सब? मामा जी, भाई साहब और मालती दीदी तो खेत को गए। और भैया भाभी? वो डॉक्टर को गए, वो दीदी की कमर में दर्द था ना। मतलब मैं और तू अकेले हैं? तो क्या हुआ। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ बाबा कुछ नहीं, अब तो जो होगा वो। वो क्या? अब तो जो होगा वो 9 महीने बाद होगा। मुन्ना चाहिए। और मुझे मुन्नी। मुन्ना। मुन्नी। मुन्ना। मुन्नी। मुन्ना। मुन्नी। ओम कलीम चामुंडा विजय। ओम हीम कलीम चामुंडा विजय। साया। आत्मा का साया। आत्मा का साया? तुम सब पर बुरी आत्मा का साया है। के करे बाबा, बस टाइम ही खराब चल रहा। वक्त नहीं बच्चा, आत्मा का साया तुम्हारी साथ चल रहा है। फिर बाबा इस आत्मा के साये को हटाओ। हट जाएगा पर। पर के बाबा? ओम सपनेश्वरी दर्शाय, ओम हीम कलीम दर्शाय। नहीं तू ऐसा नहीं कर सकती। के हुआ बाबा? बहुत मुश्किल है बाबा, आपके लिए भी मुश्किल है। हमारी छोड़ मूर्ख, तू अपनी सोच।
हम थारे दोरा आए हैं बाबा, कुछ तो करो। इसके लिए तो धूना चढ़ाना पड़ेगा। धूना बाबा? हाँ, 5 दिन तक एक टांग पर खड़े होकर तपना पड़ेगा। बोलो कौन करेगा? बाबा, इसके अलावा कोई और उपाय है? उपाय है, ये धूना हम करेंगे। इसके लिए तुम्हें 2100 रुपए देने पड़ेंगे। बात यह है, तुम्हें किसी नई दुल्हन की बलि देनी पड़ेगी। बोलो तैयार हो? बलि? बलि कहाँ से ले आऊं? इसके बाद जो तुम चाहोगे वही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बाबा, हमारा कोई बच्चा ना, कोई बच्चा हो सके? बलि के ठीक 3 महीने बाद तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। पर बलि बाबा, अगर तुम बलि नहीं दोगे तो आत्मा तुम में से किसी की बलि अपने आप ले लेगी। अच्छा बाबा, हम कुछ करते हैं। तुम जो बलि दोगे उसका थोड़ा खून और 5 बाल मुझे दे जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा बच्चा। ठीक है बाबा। अच्छा बाबा, हम चलते हैं। नमस्कार बाबा। खेलेगा मुन्ना हम खूब हंसावेगा, मारे आंगन खेलेगा मुन्ना हम खूब हंसावेगा। तेरा मम्मी कह के लिपटेगा, मुझे पापा बुलावेगा। मारे आंगन खेलेगी मुन्नी हम खूब हंसावेगी, मारे आंगन खेलेगी मुन्नी हम खूब हंसावेगी। तुम्हें पापा कह के लिपटेगी, मुझे मम्मी बुलावेगी। मारे आंगन खेलेगा मुन्ना हम खूब हंसावेगा।
हमारे आंगन खेलेगा मुन्ना, हम खूब हंसा बहका। हमारे आंगन खेलेगा मुन्ना, हम खूब हंसा बहका। पूरा चंडाल लग रहा, बलि तो ऐसे मांग रहा जैसे परोसा मांगे। एक बात तो सोचो, अगर एक बार बलि चढ़ गई ना तो सारों की किस्मत खुल जाएगी। बाबा ने तो बच्चों का वादा भी करा है। तुझे तो बच्चे की पड़ रही, यहाँ कंगाल होए पड़े हैं। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। कहाँ ढूंढते फिरेंगे, नहीं दुल्हन है। मामा कने भी फसवा दिए, मन में बहम और बढ़ गया। मामा की गलती ना है, 5 साल हो गए हमारी शादी को, जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है, जब भी तुम्हारा घर सुनना पड़ा। मुझे तो लगे किसी आत्मा का साया ना। यू सविता ही मनुष्य दिखे, जिस दिन से आई उस दिन से औठम ही हो रहे। परसों बच गई, बिजली पकड़ लेती। मैं बच गई, रोटी बना रही थी, लग जाती साड़ी में आग। क्या बात तो है, इसके आते ही पिताजी भी बदल गए, मारी तो कदी सुनते ही नहीं। आगी ना टहल करने वाली, इब के जुरते मारी। भाभी तो उनके आते ऐसे करे जैसे कितना काम करे है। आपस में बकवास बाजी मत करो, जो बात की जड़ है उसको सोचो। मामा तू ही बता, तू ही ले गया था हमें तो। मेरी बात सुनो, एक रास्ता मिल गया, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटे। ऐसा हो सके? मेरी बात सुनो, उरे को आ जाओ। लाओ भाभी, मैं धो दूंगी, आप आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, कदी मारी बात भी मान लिया कर। सरिता, ना मैं कर लूंगी, तू तो सारा दिन लगी रहे, आराम कर ले। नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। अरे कर लंदे, डॉक्टर कह रहा मैं जितना काम करूंगी उतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। क्या तू नहीं चाहती मैं जल्दी ठीक हो जाऊं? ठीक है भाभी, दो कर। गए के मामा? गए बाजार, जल्दी कर लो काम को। क्या बात है?
बड़ी कैडी जान लिगड़ी इसकी। चलो ले चलो नीचे ले चलो इसे। चल इनके से टांग पकड़ इसकी। गैस का सिलेंडर खुला रह गया, चढ़ के मर गई। यू आर वॉचिंग सोनोटेक वीडियो।